द्वितीय नास्ति सत्तैका नाम रूप क्रियात्मिका, एक ही सत्ता सबको आधार देती है, चाहे नाम रहो चाहे रूप रहो चाहे क्रिया रहो, एक ही सत्ता। ध्यान से सुनना, जब संपूर्ण जगत एक ही तत्व से व्याप्त है समझने के लिए ये समझना है कि उपलब्धि हमेशा भावात्मक होती है। भावात्मक माने अस्थि रूप से, है के रूप में। कोई भी उपलब्धि अभाव के रूप में नहीं हो सकती। जैसे ये एक माइक है, ये दूसरा माइक है, ये दो क्यों बन गए? क्योंकि दोनों के बीच में माइक नहीं है, वहां नहीं की भी उपलब्धि भाव के रूप में भी हो गई। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ी साधना है। जब आप अभाव को विषय बनाओ तो आपका मन चैतन्य में घुल जाता है। कैसे अभाव को विषय बनाए? शांति का श्रवण करो, जहां शांति के श्रवण में लग गए उसी क्षण आपका मन चैतन्य है। एक क्षण के भी समय नहीं लगेगा। कितना समय कितना प्रयत्न एक पति को लगेगा ये जानने के लिए कि वो आदमी है? लेकिन जिनको कुछ ना कुछ करने की आदत है ना, फिर वो योगा करेंगे। द्वितीया नास्ति सत्यिका नाम रूप क्रियात्मिका परे नाना तरंगे भव कल्पने व जलेतरा। उसी प्रकार से नाना तरंग अब्धव, समुद्र में अनेक प्रकार की जो तरंग आते हैं, लहरें आती है, वो कोई अलग है क्या? समुद्र को ही हम लहर के रूप में संबोधित कर रहे हैं, पानी को ही हम समुद्र के रूप में संबोधित कर रहे हैं, परमात्मा को ही हम जगत के रूप में संबोधित कर रहे हैं, उसी परमात्मा को हम जीव के रूप में संबोधित कर रहे हैं, उसी परमात्मा को हम ईश्वर के रूप में संबोधित कर रहे हैं। एक ही तत्व पर तीन उपाधियां चढ़ा दिए। माया की उपाधि चढ़ा दी तो ईश्वर हो गया, नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो जगत हो गया, पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी तो जीव हो गया। और ये जो औपाधिक अनेकता है, इसका आधार एकमात्र सत्ता है। कठोपनिषद में आता है अस्ति इति उपलब्धव्यः तत्व भावेन प्रसीदति। परमात्मा की उपलब्धि अस्तित्व रूप से होती है, और इसीलिए किसी को भी अपने नहीं होने का अनुभव नहीं आ सकता कि मैं नहीं हूं। यो नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा,